अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं एसएसए के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। डबल में टाटा नहीं लेवा इनको टेबल वस्तना तुम भी आए तुम नहीं आते नहीं छोड़ देते बस बस कर रेट है उसको ये ऐसा ये एकदम ऐसा क्लीन करके उसको केमिकल से मैक्सी क्लीन थिनर एक केमिकल से क्लीन करके उसमें उसके ऊपर फिर एक नया डेट मतलब 18/2018, 19 और 20 में जितने भी प्रोडक्ट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स है वो पूरे इकट्ठा करके उसमें जो कंपनी का इस पर स्टैम्प है एक्सपायरी डेट्स है वो सब एरेज करने के बाद निकालने के बाद एक केमिकल से नया डेट मतलब July 21 के डेट उस पर प्रिंट करके एक्सपायरी डेट प्रिंट करके ये फिर मार्केट में ये सप्लाई करने की ये प्रोसेस में हम इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस रेड करके ये पूरा मटेरियल सीज करे और एक्यूज लक्ष्मी नारायण को अरेस्ट करे। इसमें ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सोन पापड़ी है सब खोल के देखने के बाद इसमें पूरा फंगस इस तरह के पूरे ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड आइटम्स है ये मतलब बच्चे और कोई बड़े लोग इसमें अगर से खाने के बाद हो तो ज़रूर बीमारी होगा उनको और कई नहीं बोल सकते क्योंकि ये इन्फेक्शन अगर से ज़्यादा हुआ तो खतरनाक भी हो सकता आदमी मर भी सकता इस तरह के मतलब जो भी आदमी करता ये हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और ये लक्ष्मी नारायण को आज अरेस्ट करके रिमांड को भी जा रहा है। सर ये सप्लाई होता था सर शॉप्स पे ये पूरा लक्ष्मी नारायण सब काम करता था। हाँ ये मालूम है अकेला अभी इन्फॉर्मेशन अभी निकालेंगे तो नहीं मालूम कितने लोग और कर रहे हैं इस तरह के ये 10 साल से तो सब डीलर है अभी तो मिला तो अभी ना ये तो बोल रहा कि अभी कर रहा हूँ लेकिन पहले भी कर चुका होगा जरूर डिस्ट्रीब्यूशन भी किया होगा मार्केट में अभी वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें क्या है जो दुकानदार है दुकान का मालिक है वो कहीं एक्सपायर होने के बाद भी इस तरह के प्रोडक्ट्स है इस तरह के लोगों को बेचने लग रहा हो तो इस तरह के लोग पूरा इकट्ठा करके फिर ये बदमाशी कर रहे लोग ये क्राइम है
क्योंकि हेल्थ इसमें पूरा लोगों का इफेक्ट होता, तो इसमें दुकानदारों का भी हमारा यही राय है कि अगर से प्रोडक्ट एक्सपायर होने के बाद ये किसी के हाथ नहीं देना, वो खुद डिस्ट्रॉय करना एक्सपायर होने के बाद, या नहीं तो कंपनी हल्दीराम है कंपनी को वापस करना, वो लोग पूरा इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करते। लेकिन इस तरह मार्केट में बेच के फिर इस पर पैसा बागार से बनाने की कोई कोशिश कर रहा तो गैर कानूनी है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगा, ज़रूर अरेस्ट करके रिमांड करेंगे। इन्फॉर्मेशन तो हमारे को आया, इन्फॉर्मेशन तो हम लंगर हाउस पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन देके वहाँ से उनसे करवाए। Thank you.